परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। भविष्यद्वक्ता यशायाह के अभिलेख के अनुसार तुम्हारे पूर्व मैं अपना एक दूत भेज रहा हूँ जो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। जंगल में पुकारने वाले की आवाज है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उनके रास्ते सीधे और समतल करो। बपतिस्मा देने वाले योहन जंगल में पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करते हुए आए। यहूदिया प्रदेश के क्षेत्रों से सारी भीड़ तथा यरूशलेम नगर के सभी लोग उनसे भेंट करने जाने लगे। ये सब पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में योहन से बपतिस्मा ले रहे थे। योहन का परिधान ऊंट के रोम से निर्मित वस्त्र और उसके ऊपर चमड़े का कमरबंद था और उनका भोजन था टिड्डियां तथा जंगली मधु। वो प्रचार कर कहते थे, मेरे बाद एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो मुझसे अधिक शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूँ कि उनके सामने झुककर उनकी जूतियों के बंध खोलूं। मैं बपतिस्मा जल में देता हूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देंगे। उसी समय मसीह यीशु गलील प्रदेश के नाजरत नगर से आए और उन्हें योहन द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा दिया गया। जब मसीह यीशु जल से बाहर आ रहे थे, उसी क्षण उन्होंने आकाश को खुलते तथा आत्मा को जो कबूतर के समान था अपने ऊपर उतरते हुए देखा और स्वर्ग से निकला एक शब्द भी सुनाई दिया, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे प्रिय, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूं। उसी समय पवित्र आत्मा ने उन्हें जंगल में भेज दिया। जंगल में वो 40 दिन शैतान के द्वारा परखे जाते रहे। वो वहां जंगली पशुओं के साथ रहे और स्वर्ग दूतों ने उनकी सेवा की। योहन के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए गलील प्रदेश आए। उनका संदेश था, समय पूरा हो चुका है, परमेश्वर का राज्य पास आ गया है, मन फेराओ तथा सुसमाचार में विश्वास करो। गलील झील के पास से जाते हुए मसीह यीशु ने शिमोन तथा उनके भाई आंद्रयास को देखा जो झील में जाल डाल रहे थे, वे मछुआरे थे। मसीह यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। अपने जाल वहीं छोड़ वे तुरंत उनके साथ चल दिए। आगे जाने पर उन्होंने जेबिदियास के पुत्र याकोब तथा उनके भाई योहन को देखा, वे भी नाव में थे और अपने जाल सुधार रहे थे। उन्हें देखते ही मसीह यीशु ने उनको बुलाया। वे अपने पिता जेबिदियास को मजदूरों के साथ नाव में ही छोड़कर उनके साथ चल दिए। ये सब कफरनहूम नगर आए। शब्बात पर मसीह यीशु स्थानीय यहूदी सभागृह में जाकर शिक्षा देने लगे। लोग उनकी शिक्षा से आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वो शास्त्रियों के समान नहीं परंतु इस प्रकार शिक्षा दे रहे थे कि उन्हें इसका अधिकार है। उसी समय सभागृह में एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था चिल्ला उठा, नाजरेतवासी यीशु, क्या चाहते हैं आप? क्या आप हमें नाश करने आए हैं? मैं जानता हूं कि आप कौन हैं, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! उसे फटकारते हुए मसीह यीशु ने कहा, बाहर निकल जा इसमें से। उस व्यक्ति को मरोड़ते हुए वो प्रेत ऊंचे शब्द में चिल्लाता हुआ उसमें से बाहर निकल गया। सभी हैरान रह गए, वे आपस में विचार करने लगे, ये सब क्या हो रहा है? ये अधिकार पूर्वक शिक्षा देते हैं और अशुद्ध आत्मा तक को आज्ञा देते हैं और वे उनका पालन भी करती हैं।
तेजी से उनकी ख्याति गलील प्रदेश के आसपास सब जगह फैल गई। यहूदी सभागृह से निकलकर वे सीधे याकूब और योहन के साथ शिमोन तथा आंद्रयास के घर पर गए। वहां शिमोन की सास बुखार में पड़ी हुई थी। उन्होंने बिना देर किए मसीह यीशु को इसके विषय में बताया। मसीह यीशु उनके पास आए, उनका हाथ पकड़ उन्हें उठाया और उनका बुखार जाता रहा तथा वो उनकी सेवा टहल में जुट गई। संध्या समय सूर्यास्त के बाद लोग अस्वस्थ तथा जिनमें दुष्टात्माएं थी उन लोगों को यीशु के पास लाने लगे। सारा नगर ही द्वार पर इकट्ठा हो गया। मसीह यीशु ने विभिन्न रोगों से पीड़ित अनेकों को स्वस्थ किया और अनेक दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। वो दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं देते थे क्योंकि वे उन्हें पहचानती थी। भोर होने पर जब अंधकार ही था मसीह यीशु उठे और एक सुनसान जगह को गए। वहां वो प्रार्थना करने लगे। शिमोन तथा उनके अन्य साथी उन्हें खोज रहे थे। उन्हें पाकर वे कहने लगे, सभी आपको खोज रहे हैं। किंतु मसीह यीशु ने उनसे कहा, चलो कहीं और चलें, यहां पास के नगरों में, जिससे कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मेरे यहां आने का उद्देश्य यही है। वो सारे गलील प्रदेश में घूमते हुए यहूदी सभागृहों में जा जाकर प्रचार करते रहे तथा लोगों में से दुष्टात्माओं को निकालते गए। एक कोढ़ रोगी उनके पास आया। उसने मसीह यीशु के सामने घुटने टेक उनसे विनती की, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तरस खाकर मसीह यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया और कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। उसी समय उसका कोढ़ रोग जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। मसीह यीशु ने उसे उसी समय इस चेतावनी के साथ विदा किया, सुनो इस विषय में किसी से कुछ ना कहना। हाँ, जाकर स्वयं को याजक के सामने प्रस्तुत करो तथा अपनी शुद्धि के प्रमाण के लिए मोशे द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार शुद्धि संबंधी भेंट चढ़ाओ। किंतु उस व्यक्ति ने जाकर खुलेआम इसकी घोषणा की तथा ये समाचार इतना फैला दिया कि मसीह यीशु इसके बाद खुल्लम खुल्ला किसी नगर में न जा सके और उन्हें नगर के बाहर सुनसान स्थानों में रहना पड़ा। फिर भी सब स्थानों से लोग उनके पास आते रहे।